हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को माता का आज सातवें रूप का हार्दिक शुभकामनाएं। आज माता के कालरात्रि रूप का पूजा है, तो आज मैं उनके प्रसाद के भोग रूप में चढ़ाऊंगी बूंदी के लड्डू, लेकिन नए अंदाज में, नए ट्रिक से। तो देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ब्लॉग जो हमारा आने वाला है। तो अभी तो फिलहाल मैं चना दाल को सोख करके रखी हुई हूँ, फिर इसको ग्राइंड करूँगी। बिल्कुल नया तरीका है, बिल्कुल नया ट्रिक है, तो आप ज़रूर देखिएगा कि शॉर्टकट में हम लोग बूंदी का लड्डू कैसे बनाते हैं। फिलहाल मैं बना रही हूँ लंच, तो लंच में आज मैं बना रही हूँ चना दाल तड़का और चावल भुजिया और चोखा, सारे चीज़। और क्योंकि हस्बैंड के लिए नहीं, आज मैं बना रही हूँ, मतलब हमारे रिलेशन में ससुर जी हैं, वो आए हैं, फूफा ससुर जी आए हैं, उनके लिए बना रही हूँ, उनका पसंदीदा खाना। तो आज बैंगन भाजा, आलू की भुजिया, चोखा, चना दाल का तड़का और चावल, यही बनने वाला है। तो फिलहाल कुकर में मैंने ऐड किया है यहाँ पे तेज पत्ता, जीरा और सरसों तेल, और उसमें मैं डालने वाली हूँ अभी दो टमाटर और हरा मिर्च कट करके, और फिर उसमें चना दाल मैं डालूंगी। चना दाल सूख नहीं किया था, एट ए टाइम तैयारी करना पड़ रहा है, इसलिए मैं यही वाला चना दाल इसमें डालूंगी और फिर से दाल बनाऊंगी। दाल बोलो या सब्जी बोलो, मसालेदार यही होगा। ज़्यादा मसाला वगैरह भी तो डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लहसुन प्याज वगैरह तो चल नहीं रहा है, इसी वजह से दो से चार दिनों तक टमाटर हो गया है खराब। दूसरा वाला टमाटर डाल दे रही हूँ, मुझे डाउट हो रहा था कि वो खराब ही होगा, ये ठीक है। टमाटर इसलिए डाल रही हूँ कि थोड़ा सा जो है लुक अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो ये हमारा हो गया, तो इसी में एक और टमाटर काट कर डाल देते हैं, साथ ही साथ इसमें ऐड कर देते हैं हल्दी, नमक, कसूरी मेथी और थोड़ा सा सब्जी मसाला है मेरे पास, उसको मिक्स कर दे रही हूँ और चना दाल एक कटोरी धोकर ऐड कर दे रही हूँ। इससे क्या होगा कि जो हमारा तड़का होगा बिना लहसुन प्याज का भी, उसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आएगा। और तीता के लिए इसमें हम लोग हरा मिर्च यूज़ कर रहे हैं, तो इससे उसका और फ्लेवर बढ़ जाएगा। टमाटर और हरी मिर्च की वजह से थोड़ा दाल का कलर भी उभर के आएगा। और इसी में हम लोग आलू को भी पील करके डाल देंगे ताकि चोखा बन जाए उसका। बस सिंपल मेथी मिर्चा पे मैं आज का जो भुजिया है वो बनाऊंगी और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूंगी, हल्दी और नमक बस। तो यहाँ पे मैं जो भुजिया बना रही हूँ आलू को छील कर ही बना रही हूँ, और देख रही हूँ कि तब तक कुकर भी सीटी देने लगा। पहले मैं मिर्चा को फ्राई कर लूँगी। चोखा जी मिर्चा जरूर मांगते हैं, तो देख लिए। तो गैस यहाँ पे सारे के सारे मिर्चों को बीच से कटिंग करना है, जैसे हम लोग एक मिर्ची लेते हैं और डंठल के साइड से कट कर लेना है। वैसे करने से क्या होता है कि मिर्ची अंदर से अच्छे से फ्राई हो जाता है। जब मिर्ची अच्छे से फ्राई हो जाए उसको ज़्यादा डार्क नहीं करना है, नॉर्मल फ्राई करना है। फ्राई कर लेने के बाद उसमें ऊपर से नमक डाल देना है और साथ में एक नींबू निचोड़ करके डाल देंगे। उससे क्या होगा कि जो मिर्ची का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब कढ़ाई में जो तेल बच गया है उसमें हम लोग मेथी और मिर्चा का फ़ौरन दे देते हैं, और ताकि आलू का भुजिया को हम लोग फ्राई कर सकें। तो जब तक हमारे यहाँ पर आलू फ्राई हो रहा है, उसके पहले हम लोग यहाँ पे बैंगन को कट कर लेंगे। तब तक मेरा ध्यान गया था कि दाल में मैंने आलू डाला था, तो चलो चेक कर लेती हूँ। तो सोचा कि पक गया होगा, लेकिन हड़बड़ में वही गलती हो जाता है, आलू अभी भी कच्चा था, तो फिर से वापस दाल को मैंने चढ़ा दिया गैस पे। तो यहाँ पे हमारा आलू भुजिया हो गया है। अब इसी कढ़ाई में हम लोग तेल, सरसों और मिर्चा का फिर फ़ौरन देंगे और बैंगन को फ्राई करेंगे सिर्फ हल्दी और नमक के साथ। कभी कभी बिना लहसुन प्याज का खाना भी बहुत टेस्टी लगता है, आप करके दिखिएगा, गर्मा गर्म खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अभी कुका जी को खाना देखिए, बच्चों को साथ ही साथ खाना दे दूँ, आपके किचन साफ करूँगी और दाल वगैरह पीस के रख लूँगी। अब मुझे बाहर भी जाना है, मौसम भी ख़राब हो रहा है। माँ तो बहुत बिजी चल रहे हैं, उनके पास कुछ सब्जी फल लाने का भी टाइम नहीं जा रहा है, वहाँ उसके लिए भी मुझे ही जाना है।
और जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे दाल लगभग होने लगा है, सीटी तो बज रहा है, और सब्जी जब तक बन रहा तो सोचा कि चलो दो ठो मिर्चा पका लूँ ताकि चोखा में ऐड कर पाऊँ। आलू के चोखा में लाल मिर्च पका के डालने से जो चोखा का फ्लेवर है, टेस्ट है, और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मिर्च पक गया। इतना प्रेशर के बीच एक से डेढ़ घंटे में खाना बनाना पूरा का पूरा बहुत टफ काम है, और मुझे बाहर भी जाना है। समझ में नहीं आ रहा कैसे जाऊँ। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है, आपको खुद से गैस बाहर करना है, तो आपको खुद तक थोड़ा सर करके पानी डाल सकते हैं, आपके सफर कर तो यहाँ पे सारा चीज़ रेडी हो गया, तो सोचा कि चलो सबको साथ में ही खाना निकाल दूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे बाहर जाना है और बाहर बारिश भी हो रही है, थोड़ा थोड़ा मौसम बीच में ठीक हो जा रहा, तो सोच रही हूँ कि जल्दी से ये काम करके निकलूँ बाहर, फिर आके शाम को प्रसाद की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले फूफा जी का थाली लगाया, फिर बच्चों को दे दिया, अब मैं भी थोड़ा बहुत खा ली। और ऐसे भी आज गांधी जयंती और शास्त्री जी का जयंती है, जिसके लिए मुझे इनवाइट मिला है, तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ। देखती हूँ कि क्या बोलना है, कुछ तैयारी तो नहीं किया हुआ है, बस मैं जा रही हूँ। तो यहाँ हमारा दोपहर का जो लंच है बिल्कुल हो गया है रेडी। इसमें कोई चीज़ मिसिंग है तो वो है पापड़ और चिप्स, और मैंने ध्यान नहीं दिया था क्योंकि ये मंथ का लास्ट चल रहा था, और पापड़ चिप्स ला ही नहीं पाई, याद ही नहीं था कि लाऊंगी, या फिर पूजा पाठ में बिजी हो गई, पूजा के सामान में काम में, तो बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। तो ये आज का थाली है, तो आपको कैसा लगा एक से डेढ़ घंटे में ये थाली बना है? तो सो गाइस, आपको हमारा ये डेली रूटीन जो लंच है वो पसंद आया। तो गाइस, एक घंटे के अंदर मैंने बना दिया तड़का चावल, आलू का भुजिया, बैंगन का भुजिया और चोखा, साथ में फ्राई मिर्चा, हरी मिर्च फ्राई करके। तो इतना सारा डिश रेडी हो गया, और इसी के चक्कर में लाइन भी कटा हुआ है। शाम को पूरा तैयारी कैसे करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस माँ का प्यार और आशीर्वाद मिल जाए कि लाइट आ जाए, और मैं थोड़ा सा प्रसाद का तैयारी करके बाहर निकलूँ, जहाँ भी मुझे जाना है। मैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा है। बस लाइट आ जाए, और यहाँ किचन भी मैंने साफ कर दिया है अच्छा से, नीट एंड क्लीन हो गया है मेरा किचन। अब बस मुझे दाल को ग्राइंड करना है, और ग्राइंड किए बिना कुछ कर नहीं सकती हूँ, मुझे एनी हाउ ये काम चाहिए ही चाहिए। तो भगवान लाइट आ जाए, और लाइट थोड़ा सा आने में दिक्कत हो सकता है क्योंकि बारिश हो रही है। पूरा मूड ऑफ, कहीं मुझे मेन्यू चेंज ना करना पड़े शाम के प्रसाद का। सारा चीज रेडी हो चुका है, बस लाइट आएगा और मैं तैयार करूंगी। कम से कम आधा भी टाइम हो जाता ना तो एक बात बनता। तो यहाँ सब चीज़ हो गया है रेडी, और तो मैं चलती हूँ लंच कर लेने जब तक, और तैयार भी हो जाऊँगी। लाइन जब तक नहीं आता है उसके बाद देखते क्या करना। तो एक्चुअली इस टाइम में मुझे बाहर निकलना था 3 बजे, 3 बजे से ही वहाँ काम था, यानी 2:45 बजे निकल जाना है, और अभी 2:45 बज रहा है, तो बस 15 मिनट बाद मैं निकल जाऊँगी। और बारिश भी हो रहा था, इत्तेफाक से भी लाइट आ गया है, तो सोच रही हूँ कि दाल को पीस के यानी ग्राइंड करके जाऊँ, ताकि वहाँ से आऊँगी ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगे और मेरा काम हो जाए।
तो इस तरह से गाइस यहाँ जितना भी चना दाल है उसको बहुत ज़्यादा फाइन ग्राइंड नहीं करना है, बस एक पकौड़ी बन जाए, सेप आ जाए उस टाइप से ग्राइंड करना है। कि अगर बीच में थोड़ा मोड़ा मोटा भी रह रहा है तो कोई बात नहीं, वो तो हमें फ्राई ही करना है, फ्राई करके फिर से ग्राइंड करना है। तो रफली हमें ग्राइंड कर लेना है चना दाल। चलिए घी कढ़ाई में डाल देते हैं, थोड़ा इसको गर्म कर लेती हूँ ताकि डब्बे में जितना घी है वो बाहर निकल जाए। तो हमारा पूरा का पूरा दाल ग्राइंड हो गया और दीदी मैंने साथ दिया, लाइट आ गया था तो पूरा का पूरा दाल मैं ग्राइंड कर पाई हूँ यहाँ पे। गर्म हो चुका है और इसमें बस इतनी छोटी छोटी डालनी है, इतनी छोटी छोटी सी रफली बढ़िया डालनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जितनी छोटी छोटी डालोगे उतनी जल्दी जल्दी बनेगी। पानी गर्म हो गया है, उसमें डब्बे डाल देती हूँ, जितना घी है वो बाहर निकल आएगा। ज़्यादा देर के लिए उसमें नहीं छोड़ेंगे तो डब्बा खराब हो जाएगा। बस इसको अच्छे से कुक करना है हमें, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है क्योंकि लड्डू का इसको तो कलर ऐड करना पड़ेगा, इसमें तो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं कर सकते हम लोग, नॉर्मल जैसा कुक हो जाता वैसे तैयार करना है, लास्ट में तो कलर ऐड करना ही हमें। तो ये वाला घी देखिए जो है पूरा मेल्ट हो गया, उसी तरह से दूसरा डब्बा भी चेक कर लेंगे। पहले हम लोग एक पकौड़ी को ऐसे पटक के तोड़ के देख लेंगे कि ये हुआ है कि नहीं। इसको मुझे लगता है कि और थोड़ा सा फ्राई करना पड़ेगा, ये देख लीजिए क्योंकि अंदर से थोड़ा सा गीला टाइप का लग रहा है, तो इसको और फ्राई कर लेते हैं। पकौड़ी को थोड़ा हार्ड करके फ्राई करना है ताकि वो अंदर तक पूरे तरह से ड्राई हो जाए, तभी वो जाके कुक होगा। तो यहाँ पे ये आवाज सुनेगा खाना। इसीलिए जितना छोटा डालेगा उतना अच्छा है। तो यहाँ जितना भी दाल है उसको छोटे छोटे बढ़िया हम लोग बना लेंगे, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल इस तरह से, और इस कलर के बढ़िया हमें तैयार करने हैं। बहुत ज़्यादा लाइट कलर भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं होना चाहिए, हल्का येलो इस कलर आना चाहिए। लास्ट में हमें तो लड्डू बनाने के कलर यूज़ ही करना है, तो ध्यान रखिए थोड़ा सा पक्का पक्का हुआ ही हमें बढ़िया फ्राई करनी है, बिल्कुल कड़ा कड़ा सा। तो मैं जा रही हूँ जहाँ मुझे जाना था, मैं जाऊँगी शक्ति मंदिर के आसपास, जाना है मुझे उस जगह पे जाऊँगी। ऑटो वाला आ गया है और कुछ काम करके जा रही हूँ और कुछ कर लूँगी आके, अगर नहीं तो चांदनी को टाइम मिलेगा तो वो हैंडल कर लेगी, बता के जा रही हूँ मैं उससे। और फिर आने के बाद मैं प्रोसेस स्टार्ट करूँगी क्योंकि वहाँ एक घंटे का मुझे काम है, तो आधे घंटे लेट जा रही हूँ क्योंकि बारिश हो रहा था इस वजह से। तो पहुँचते हैं तब हम दिखाते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है एक्चुअली, और किन कारणों से मतलब वहाँ जा रही हूँ, जाने के बाद पता चलेगा। बाहर का ये नज़ारा है इस टाइम में पानी पड़ने के बाद से, और अब मैं जा रही हूँ अपना काम करने और वहाँ जाके पता चलेगा कि क्या काम है, किस लिए जा रही हूँ, कौन सा मीटिंग है। और ऑटो वाले भैया आ गए हैं तो चलते हैं और वहाँ जाके आपको दिखाएंगे कि क्या क्या होने वाला है। तो गाइज ये धनबाद मनई टाड़का नज़ारा है, यहाँ पे कहीं कहीं पे जो पंडाल बने हुए वहाँ पे दुर्गा जी ऑलरेडी दिखाई दे रही हैं, मंडप खुल चुका है और दर्शन हो गया। जाते जाते मैं तो सोची भी नहीं थी कि आज घूमने भी मिलेगा, लेकिन इसी बहाने बाहर निकली और माता जी का दर्शन भी हो गया, तो इससे बड़ा गुड साइन और कुछ नहीं चाहिए। मैं समझ गई कि आज का मेरा जो काम है बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैं तो ऑटो से उतर कर नहीं देख पाई पंडाल के अंदर जाके, बस माँ है अंदर भी, माँ बैठी हैं तो बस माँ को याद किया और पंडाल देखा। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत यहाँ पंडाल बना हुआ है, यहाँ हर साल ही कुछ यूनिक बनता है। तो फाइनली मैं जगह से आ चुकी हूँ, लग रहा है मीटिंग स्टार्ट हो गया है, ये देखिए लग रहा है दो चार लोग दिख रहे हैं।
बट अंदर जाके पता चलेगा। ओ बेटा आज तो गांधी जयंती है, उसके उपलक्ष्य में कुछ हो रहा है, मुझे तो याद ही नहीं था। चलिए पहुँच के मैं बताती हूँ। कहाँ है अब ऐसे लाल और बापू, दोनों ने जीवन सर्वस्व किया न्योछावर, अपनी दुख जननी की खातिर आओ मिलकर दिया जलाएं, जन्मदिन उनका मनाएं। सुख समृद्धि का जो देखा उन्होंने सपना, उसको पूरा करने का क्यों नहीं प्रण अपना। प्यारे बापू प्यारे साथी की धन्य भाग हमारे, जो हम धरती पर आए, जहाँ ऐसे गर्व धार हमने है पाए। अपने कमर अपने कर्मठ अमर सपूतों को तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में और शास्त्री जयंती। युवा चित्रांश की तरफ से हम लोग सभी लोग गांधी जयंती मना रहे हैं और सारे लोग इसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम लोग यहाँ पे दो अद्भुत दोनों के विषय में जितना कम बोला जाए वो कम ही है। एक हमारे आंख में दुशाला है, दूसरे हमारे साथ है। गांधी जी के बारे में तो आज की जनरेशन में छोटे छोटे बच्चे हर कोई जानता है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, लेकिन आज हमारे बच्चे लोग शास्त्री जी के बारे में नहीं जान पाते 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। इसलिए सभी से आग्रह है कि अपने बच्चों को ये समझाए सिर्फ गांधी जयंती 2 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है, शास्त्री जयंती को मनाया जाता है। एक हमारे मित्र का हम लोग बापू जी को तो हमेशा बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन शास्त्री जी को जो महान रुचि है उनको हम लोग भूलते जा रहे हैं। जो रुचि भी ये था बहुत ही ज़्यादा, देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे और देश में उनका भी बहुत ही ज़्यादा ये था प्रगति के लिए। तो हम लोगों को हम लोग आज इस ग्रुप के लोग आज यहाँ बैठे हैं, सब उनको मन में उनके प्रति की श्रद्धा होनी चाहिए। बापू के प्रति तो श्रद्धा बचपन से लोग देखते हैं, शास्त्री जी को भी हम लोग अपने लोगों के बीच सबको इनको बताएं कि शास्त्री जी हमारे देश के लिए कितने काम किए हैं और कितने 18 महीने का प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कितना बड़ा बड़ा काम कर चुके हैं, उसे सीख लेना चाहिए। यही बात के लिए हम लोग को यहाँ इकट्ठा करने की कोशिश करें। आज 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में सभी हमारे चित्रांश परिवार के सभी सम्मानित बुजुर्ग भाई माताएं बहनें सभी का स्वागत है, अभिनंदन। साथियों आज 2 अक्टूबर मनाते क्यों हैं? अगर पूरे भारतवर्ष में इसकी चर्चा की जाए 80% लोग यही बोले कि आज गांधी जयंती है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जयंती लगभग किसी के मुंह से निकलता नहीं है। पढ़ते हैं उनका इतिहास पढ़ते हैं तो शास्त्री जी का जन्म 1904 में हुआ था और उस समय छोटा सा स्टेशन हुआ करता था मुगल सराय। आज तो मुगल सराय बहुत बड़ा हो गया है, मुगल सराय में ट्रेन एक प्लेटफॉर्म में 3-3 ट्रेन रुक जाती है, लेकिन उस जमाने में 1904 में छोटा सा कस्बा हुआ करता था मुगल सराय, वहां पे हमारे शास्त्री जी का जन्म हुआ था। एक छोटे से परिवार में उनके पिताजी का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था और माता जी का नाम राम दुलारी देवी था। जब वो 1 साल के मात्र थे तब उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। जहां तक उनका दर्शन पढ़ते हैं उनके पिताजी एक शिक्षक थे, पेशे शिक्षक थे और कुछ ही दिनों के बाद राजस्व विभाग में एक कर्मचारी के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया था। दुर्भाग्य की यह बात थी कि शास्त्री जी अपने जीवन काल में मात्र 1 साल अपने पिता का साथ रह पाए। उनकी पारिवारिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी, दयनीय हो चुकी थी। 2 बहन एक भाई था शास्त्री जी और अपने ननिहाल चले। करके भी आई, मुझे याद भी आया कि आज गांधी जयंती है
धन्यवाद अजय जयकार से काम चर्चा का और हमारे जितने लोग यहाँ बड़े उपस्थित है उन सबका बहुत बहुत आभार जो मुझे यहाँ आने का मौका दिया, उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया और ये फिर से रिमाइंड करवा रही थी। थैंक यू अजय भैया, बहुत बहुत शुक्रिया और सच में मुझे अच्छा लगा यहाँ आके और यहाँ हिस्सा बन के और मुझे भी याद रहेगा कि मैं भी अपने जाऊँ अपने बच्चों को थोड़ा ना थोड़ा जरूर इसके बारे में बताऊँ ताकि वो भी आगे जाके याद रखें और अपने से आने वाले जनरेशन को वो भी बता सके। इन दोनों के बारे में बहुत महान हस्ती हैं और इनको भूलने वाला तो हो ही नहीं सकता। हम लोग आजकल के भागदौड़ के लाइफ में बहुत सारे चीज ऐसा होता है कि हम लोग भूल जाते हैं, एक पार्ट कहीं कोना में रखा रहता है, लेकिन हम लोग जब इस तरह का कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे तो इसी तरह से हमारे माइंड में वो बार बार करके रिमाइंड होता रहेगा, जिसके कारण हमें जाने का मौका मिलेगा और हमारे छोटों को भी जाने का मौका मिलेगा। तो इसलिए आप सभी को जितने लोग यहाँ हमसे बड़े हैं उन सभी को बहुत बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद कि इस तरह से कार्यक्रम आज किए हैं और आगे भी करते रहिए ताकि हम लोग भी सीखें और हमसे छोटे भी आगे सीखते रहें। थैंक यू सो मच। वो भी इनका दर्द, ये हम लोगों के फोर्स को मिलिट्री को इन्होंने ही उतना हिम्मत और बल दिया और इन्होंने ही शुरू किया है जो कि हम लोग अपने को भूल रहे हैं। आज भोजन हम लोगों का भरपेट मिल रहा है, नहीं तो यूक्रेन और ये सब जो है गेहूं के चलते अभी जो पाकिस्तान और इस सब हालतें है कि लोग मतलब क्या रेट हो सकता है और क्या मिल रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, पानी तक नहीं नसीब है। तो आत्मनिर्भरता की बात जो है बहुत बड़ी बात सिखा कर के लिए तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जितने लोग भी इकट्ठे हुए हैं वहाँ पे हर एज ग्रुप के लोग थे और सारे लोग हर्षोल्लास के साथ बापू और शास्त्री जी का हम लोग जयंती मना रहे थे। हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और इसी तरह हमेशा होते रहे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप देख सकते हो सारे लोग अपना काम वगैरह सब छोड़ छाड़ के इस टाइम में इकट्ठा हुए हैं। आप देख सकते हो कि मैं भी बहुत मुश्किलों से वक्त निकाल पाई हूँ। एक्चुअली आते आते तो मुझे बापूजी का जयंती याद आ ही गया था, लेकिन माँ के पूजा पाठ में इतना बिजी हो गई थी कि मुझे दिमाग से थोड़ा देर के लिए हट ही गया था। तो सो अचानक ये प्रोग्राम के वजह से मुझे रिवाइंड हो गया। तो गाइज यहाँ पे हमारा ये सेलिब्रेशन खत्म होता है, टाइम आ गया अब मैं घर जाऊँगी। और यह है हमारे इस दल के परमानेंट फोटोग्राफर, इनके फोटोग्राफी के बिना कोई भी फोटो पूरा नहीं होता है। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, दो दिन बाद अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद। तो ये हमारे परमानेंट फोटोग्राफर है। काम जो है सफलतापूर्वक खत्म हो गया है। तो चलिए हम लोग अपने अपने घर पहुँचते हैं और सबको बता देते हैं कि वो अगर अपने आप को देखना चाहते हैं तो अभी तो देख लो के दे तो फंक्शन ख़त्म होने के बाद मैं जैसे तैसे करके घर आई। काफ़ी लेट हो चुका था और मुझे आके घर पे प्रसाद भी बनाना था। 5:30 के आसपास टाइम हो रहा था तो जैसे तैसे करके मैं घर आई और आते ही मैं कामों में लग गई क्योंकि मेरे पास ज़रा भी टाइम नहीं था। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं 1.5 किलो चीनी का चाशनी बना रही हूँ। मुझे इतना सारा क्वान्टिटी का बनाना है मुझे कोई आइडिया नहीं, तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो डाल लिया था तो उसी के हिसाब से 1.5 किलो चीनी भी ले लिया है। तो चलिए प्रोसेस आगे करते हैं। तो इतना सारा पकौड़ी बन के यहाँ रेडी हो गया है और ये इतना सारा पकौड़ी बनाया है चांदनी ने। तो चांदनी ने आज मेरे बिहाफ में इतना सारा हेल्प कर दिया। सबको हमको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और इसी के साथ मैं ग्राइंड कर लूँगी इलायची, क्योंकि चाशनी में नहीं डालूँगी, इसी के साथ ग्राइंड कर लूँगी ताकि वो फाइन एकदम हो जाए। ग्राइंड करके फिर आपको वीडियो दिखाते हैं। और यहाँ पर हमें क्या करना है, इसी में हम लोग अभी ऐड कर देंगे ऑरेंज कलर थोड़ा सा, ताकि लड्डू का जो कलर है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए। और लास्ट में इसमें हम लोग ऐड करेंगे मगज बीज।
तो यहाँ पे ऑलमोस्ट दालें हमारे ग्राइंड हो रही हैं। और दाल देखिए कुछ इस तरह से ग्राइंड हुआ है, यानी कि पकौड़ी दरदरा, साथ में इलायची भी हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। तो आपको इस तरह से कुछ ग्राइंड करना है, ज़्यादा एकदम फाइन नहीं करना है, बस ऐसे ही ये दाना दाना सा दिखेगा आपको, जैसे लगेगा छोटा वाला बूंदी है। और जब ये चाशनी में पकेगा तब आप इसका कलर और रंग देखिएगा कितना खूबसूरत बन जाएगा। बस इसी तरह से हमें इसको बना लेना है। तो गाइज यहाँ पे हमारा चाशनी हो गया है रेडी। अब इसमें हम लोग कलर ऐड कर देंगे, आपको जो भी कलर पसंद हो वो ऐड कीजिए। मैं सिंपल ऑरेंज कलर इसमें ऐड कर रही हूँ, सिर्फ एक कलर का बनाऊंगी। आप चाहे तो थोड़ा सा चाशनी में ग्रीन कलर मिक्स कर लीजिए, थोड़ा अलग अलग हो जाएगा रेडी। तो यहाँ पे हमारा चाशनी हो गया है, चीनी सारा मेल्ट हो गया है। तब अब इस टाइम में इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा बूंदी है उसको हम लोग इसमें पकने देंगे। तो गाइज यहाँ पे चाशनी ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं वही ग्राइंड किया हुआ पकौड़ी, यानी चना दाल से बने पकौड़ी जो ग्राइंड किया था हमने, उसको ऐड करते हैं और इसको कुक होने देते हैं। मुझे तो लग रहा था चाशनी ज़्यादा होगा, लेकिन इस टाइप से देख के लग रहा है ना कि परफेक्ट चाशनी तैयार हुआ है यहाँ पे। और लास्ट में आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ जितना भी हमारा ये दाल वाली पाउडर है उसको कुक होना है, कुक होने के लिए थोड़ा सा टाइम देना है ताकि एकदम बूंदी का टेक्सचर आ जाए और बूंदी एकदम खिला खिला सा लगे। इसी टाइम पे इस पर हम लोग मगज बीज ऐड कर देंगे ताकि जो लड्डू का टेक्सचर है बिल्कुल मार्केट वाली लड्डू जैसा दिखे। आप देख सकते हो इसे देखने से भी लग रहा है कि हाँ ये छोटी वाली बूंदी जैसी ही कुछ टेक्सचर दिख रहा है यहाँ पे। तो जब तक ये पूरा चाशनी रिड्यूस नहीं होता है तब तक हमें कुक तो करना है। तो देखिए इस तरह से आपको तैयार कर लेना है सारा चाशनी। ये जो है हमारा चना दाल का जो मैंने पकौड़ी बनाया था क्रश करके, ये सारा सोख लिया है। इस टाइम पे ये लड्डू बनने को रेडी हो गया है। तो ये हमारा रेडी हो गया, अब इसको हम लोग दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर ले रहे हैं गाइस। अब तुम चार्ज में लगा दो। तो यहाँ पे हमारा लड्डू बनना हो गया है स्टार्ट, लेकिन मैं जानती थी अकेले जब लड्डू बनाऊंगी तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 6:30 और इतना जल्दी जल्दी करके मैंने बनाया है यहाँ पे। तो मैं एंजल को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि कैसे रिकॉर्ड करना है बीच बीच में, क्योंकि मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही हूँ और फ़ोन भी ख़राब चल रहा है। तो थोड़ा देर के लिए चार्ज में लगा रही हूँ, फिर रिकॉर्ड कर रही हूँ। और उधर से चांदनी भी आ रही है, 2 से 4 जन लगेंगे तो बहुत ही जल्दी हमारा ये लड्डू जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो होता है ना, कहते हैं ना, 1 से भले 2, 2 से भले 4, बस वही वाला काम हो रहा है यहाँ पे। और फ्रेंड्स होते भी हैं इसीलिए भाई कि जब भी आप फंसो तो वो काम निकाल सके। तो सारे लोग हम लोग बहुत मज़े से यहाँ पे लड्डू तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर सारे लड्डू बनकर तैयार है। मम्मी सबको इधर स्माइल करके देखो, सबको इधर स्माइल करके देखो ना। फोटो लो, फोटो लो। लड्डू तो यहाँ पे 2-4 नहीं, पूरे 5 जन हम लोग मिल के लड्डू तैयार कर रहे हैं और बच्चे भी इसी में परेशान कर रहे हैं। और एंजल का आवाज़ तो आप सुन रहे हो कितना हला कर रही है कि ऊपर देखो, इधर देखो, उधर देखो। मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं फ़ोटो ले रही हूँ, इस टाइप से कुछ शोर मचाया जा रही है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ओरिजिनल क्लिप को रख दिया कि आप देख सकते हो कितना शोर शराबा सब कर रहे हैं। तो इस तरह से गाइस 1.5 से 2.25 किलो चना दाल का और 1.5 किलो चीनी का इतना सारा लड्डू बना है, जिसमें से एक परत में लड्डू भर के नीचे मंदिर में लाई माँ के दरबार में चढ़ाने के लिए, और एक जो था वो ऊपर मंदिर घर में चढ़ाने के लिए रख दिया मैंने। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा प्रसाद आ गया, इतना लेट, इतना उलझन, इतना बिजी होने के बावजूद भी। तो इस टाइम पे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि माँ के दरबार तक मेरा काम जल्दी पहुँच गया। कहते हैं ना कि जो भी काम आप करना चाहो और दिल से और अच्छा काम करना चाहो तो भगवान भी साथ देता है। तो जी हाँ, आज मेरी माँ ने मेरा साथ दे दिया और मैं बच गई। लेट हो गए हूँ, आरती आपको सुनाई दे रहा होगा। जल्दी जल्दी आई बाहर से, तुम मिठाई लड्डू बनाया है, देखो कैसे मैं बना रही थी। काफ़ी लेट हो गई हूँ और आप देख रहे थे कि कितना जल्दबाजी में काम किया। अब आरती भी हो रहा, अभी जावेरी बीच में आरती में शामिल होना है। बहुत मेहनत लगता है कोई भी चीज़ बनाने में, ब्लॉग बनाने में। तो प्लीज़ गाइस आप सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इस चीज़ को आगे बढ़ा पाऊँ।
आज हमारे पति देव आए हैं, पूजा में शामिल हुए हैं बहुत दिनों के बाद। आरती हो गया फिलहाल, प्रसाद लेके जाना जा रहे, प्रसाद लगा देने। कल आएंगे जरूर, पक्का आएंगे। और बहुत दिनों के बाद हस्बैंड आए हैं आरती में। बुटीक वाले रूम में कुछ काम था इसलिए मैं आई थी यहाँ पे बुटीक वाले रूम में, और यहाँ का काम हो गया। अब मैं जा रही हूँ चेंज करूँगी, अब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज का दिन भर का भाग दौड़ आपने देख लिया, और इसी बीच में हम लोगों ने आज सेलिब्रेट किया गांधी जी और शास्त्री जी का जयंती भी, बहुत ही अच्छा लगा। रात के 10 बज रहे हैं और पूजा पाठ सारा ख़त्म हो गया। हम लोग कुछ देर नीचे में मस्ती कर रहे थे, सोचे थे कि घूमने जाएं या नहीं जाएं, लेकिन घूमने का मन नहीं किया तो सोचा कि चलो घर आ जाते हैं। और आज जो पूजा हो रही है वो हुई है माता का 7वें रूप का, माता कालरात्रि देवी का आज पूजा था, तो बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गया। और इसी के साथ आज का हमारा ब्लॉग भी यहीं पर ख़त्म होता है और आज का पूजा भी। चलिए कल हम लोग मिलते हैं अष्टमी वाले दिन, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय माता दी। एक बार प्यार से बोल दीजिए माता रानी की जय।